नमस्कार दोस्तों, डबल ए न्यूज़ पे स्वागत है आपका। लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ वज़ीराबाद 14 नंबर गली के हालात। काफ़ी दयनीय है कई वर्षों से, लेकिन इसको देखते हुए क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष है। जहाँ स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से पूरी दिल्ली में मनाया जा रहा है, वहीं अगर मैं बात करूं गली नंबर 14 की, तो यहां पर क्षेत्र के लोगों ने विधायक दिलीप पांडे का पुतला फूंकने की तैयारी करी है। और आइए बात करते हैं यहां पर मौजूद तमाम लोगों से, उनका क्या कहना है इस विषय पर, क्योंकि यहां पर पुतला दहन की तैयारी करी गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ वीडियो के माध्यम से, जहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, झंडा फहरा रहा है। लेकिन वहीं बात करें अगर हम वज़ीराबाद की, लापता विधायक के नाम से यहाँ पोस्टर भी लगे थे। और मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये दिलीप पांडे का पुतला बनाया गया है, क्योंकि दिलीप पांडे जी नदारद चल रहे हैं काफ़ी समय से वज़ीराबाद से। क्षेत्र के लोग वहाँ मिलने जाते हैं तो वो मिलने से मना कर देते हैं। उनके काफ़ी कार्यकर्ता जो एरिए में, वो उनको बोल दिया जाता है कि उन कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, विधायक जी उत्तर प्रदेश में व्यस्त हैं। और जो ISO सर्टिफाइड कार्यालय बनाया गया है, वो सिर्फ एक केक काटने के लिए एक बैंक्वेट हॉल के रूप में तब्दील हो चुका है, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष है। इसको देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने आज 15 अगस्त पर विधायक दिलीप पांडे का पुतला फूंकने की तैयारी करी है। मैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से तैयारी करी गई है वज़ीराबाद 14 नंबर गली में, क्योंकि क्षेत्र के लोगों में नाराज़गी है। विधायक दिलीप पांडे क्षेत्र में आते नहीं हैं, इतनी बरसात हो गई, गलियों में पानी भरा रहा, लेकिन विधायक दिलीप पांडे नदारत रहे यहाँ पर, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों में, महिलाओं में, सभी में रोष है। अगर पूरे वज़ीराबाद की बात करें तो पूरे वज़ीराबाद का यही हाल हो रखा है। गलियाँ खोद के डाल दी गई हैं, जिसका कोई भी निर्णायक काम अभी तक नहीं किया गया। पुराने कार्यकाल के विधायक पंकज पुष्कर के जो नाली निर्माण के काम थे, उनको भी अभी तक चालू नहीं करवा पाए हैं, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष है। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँ इस तरीके का पानी, जो कई कई दिनों से गंदा पानी जो भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊँगा, ये स्थिति हो चुकी है। क्योंकि जो वज़ीराबाद की गलियाँ हैं, वो एक तरीके से बिल्कुल कूड़ेदान में तब्दील हो चुके हैं। ये स्थिति वज़ीराबाद 14 नंबर गली की मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ नालियाँ नहीं हैं, नालियों का पानी बीच रोड में जा रहा है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के ही काफ़ी कार्यकर्ता गण रहे हैं, जो काफ़ी विरोध कर रहे हैं दिलीप पांडे का। और उसमें मैं आपको बताना चाहूँ, आज अब से कुछ ही देर में काफ़ी लोग एकत्र हो रहे हैं यहाँ पर, ये दिलीप पांडे का पुतला फूंकने की तैयारी करी जा रही है। और ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्थिति आप देख सकते हैं वज़ीराबाद गली नंबर 14 की, जहाँ काफ़ी ही भयावह स्थिति पिछले कई वर्षों से हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो नालियाँ यहाँ है नहीं, जो पुराना कार्यकाल रहा है पंकज पुष्कर का, उस कार्यकाल में जो फंड लगभग 10 करोड़ रुपए का पास किया गया था, 2 साल हो गए विधायक दिलीप पांडे उस काम को भी नहीं करा पा रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष है। ये मैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं स्थिति दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं वज़ीराबाद 14 नंबर गली की स्थिति कितनी भयावह है, जिसको देखते हुए क्षेत्र में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और विधायक दिलीप पांडे का पुतला दहन करने की तैयारी करी जा रही है। और ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप ये देख सकते हैं अलग अलग तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झंडा रोहण की तैयारी कर रहा है। और यहीं अगर बात करें राजधानी दिल्ली के चीफ व्हिप दिलीप पांडे के खिलाफ क्षेत्र के जनता में रोष है, वो झंडा लहराने की जगह पुतला दहन का कार्यक्रम उन्होंने रखा गया है। ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तिमारपुर विधानसभा के अंदर विधायक दिलीप पांडे का पुतला दहन का ये कार्यक्रम रखा गया। और ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर पोस्टर में लिखा भी जा रहा है, दिलीप पांडे हाय हाय, जनता बेहाल, विधायक गायब। तो आप ये समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति तिमारपुर विधानसभा की हो चुकी है। मैं बात करूँ अगर वज़ीराबाद संगम विहार की, कुछ गलियों में काम तो हो रहा है, लेकिन आधे अधूरे मकसद से काम किया जा रहा है। पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है, जिसको देखते हुए क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष है। ये आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल यहाँ हो चुका है, जिसको देखते हुए क्षेत्र के लोगों में गुस्सा है। और आप ये देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल, जिसको तिमारपुर विधानसभा का जब विधायक बनाया है, तब तक क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार ही हुआ है, हमेशा VVIP लोग ही दिए गए यहाँ पर। और ये स्थिति से मैं आपको अवगत कराना चाहूँ, ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हैं। अम्मा जी क्या कहेंगे, काफ़ी समय हो गया, रोड खराब है यहाँ पर, क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे, जब से केजरीवाल सरकार बना है तब से ना ये रोड बना है, ना नाली बना है, ना कोई ध्यान दे रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना किसी को, नहीं कभी देखे भी नहीं है उनको। बड़ी लोगों ने शिद्दत से जिताया था दिलीप पांडे को, क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे, क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जो विधायक हैं दिलीप पांडे जी यहाँ के, क्या अभी कभी आपसे मिले वो यहाँ पर गली में? सकल भी नहीं देखे उनका, कैसा है वो? वो तो दावे कर रहे हैं हम पूरे वजीराबाद को चमका रहे हैं। कहाँ चमका रहे हैं, हमारे गले हम तो नहीं देख रहे हैं चमका रहे हैं। पानी में घूम रहे हैं, पानी में बोल रहे हैं, पानी में घर घुस रहा है, पानी मेरा सारे बारिश का पानी, सारे नाली का पानी आकर के तो देखे एक बार। तो क्या कहेंगे ऐसी स्थिति को आप देख रहे हैं? हाँ। कितने समय से ये हाल हो रखा है इस गली का, नाली का, नाली गली, कब से ये रोड नहीं बना, कितने साल हो गए? जब से हम तो मतलब आए 4-5 साल हो गया, केजरीवाल जब से आए हैं तब से नाली पर ध्यान नहीं दे रहा है, गली का ध्यान नहीं दे रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफी लोगों में रोष है, मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ स्थिति आप देख सकते हैं। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं, आंटी क्या कहेंगे, स्थिति आप देख रहे हैं, गली में रहते हैं, जो आज हालात है क्या कहेंगे? इतने परेशान है हम ना, हम सुबह से हम दोपहर रात का भी बाहर निकल ही नहीं सकते हैं इस गली में, जरा सी बारिश होती इतनी भर जाती कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें डिजिटल विधायक की, बात करी गई है कि वो समस्याएं सोशल मीडिया से ही ठीक कर देते हैं क्षेत्र की, तो ये कितने साल हो गए इस गलियों को ये जो स्थिति बनी हुई है? कम से कम 3-4 साल तो हो ही गए, 3-4 साल से ये गली बहुत ही खराब है, जरा सी बारिश होती पानी इतना भर जाता, नालियाँ बंद हो जाती, कोई आता नहीं है, आएगा भी तो जरा से 2 कागज निकालेगा, यहीं छोड़ेगा, ले जाएगा नहीं, वो फिर नाली में जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखते थे हजारों की संख्या में मच्छर भी इस गंदे पानी में भरे हुए हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में तमाम बीमारियों का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। ये आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वजीराबाद 14 नंबर गली की स्थिति से मैं अवगत करवा रहा हूँ। इसी तरीके की गलियाँ पूरे वजीराबाद में हो चुकी हैं, मैं आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, कई हज़ार मच्छर, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँ, आप ये देख सकते हैं कई हज़ार मच्छर इस तरीके के गंदे पानियों में हैं। यही स्थिति पूरे वजीराबाद की मैं बात करूँ, अगर वजीराबाद कि सभी गलियों की जो नहीं बनी, आधी अधूरी बना के छोड़ दी गई, कुछ कच्ची है, कहीं खोद के डाल दिया गया, वजीराबाद 9 नंबर का भी यही हाल हो चुका है, जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं काम पानी निकासी को लेकर, वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँ ये तस्वीरों के माध्यम से, ये आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये स्थिति हो चुकी है। जैसे कि ये देख सकते हैं ब्रांच गलियों का भी ये हाल हो चुका है, गलियाँ खोद के डाल दी गई हैं, लोगों को पानी निकासी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ नालियों का निर्माण बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। ये एक ऐसे विधायक के बारे में चर्चा की जा रही है जो दिल्ली सरकार के चीफ व्हिप हैं और जो बड़े बड़े दावे करते हैं विकास को लेकर, तो आप ये देख सकते हैं जो डिजिटल विधायक का विकास है वो किस तरीके दिख रहा है तिमारपुर विधानसभा में। लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं महिलाओं को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। ये स्थिति आज वजीराबाद की गलियों की हो चुकी है, जहां महिलाओं को दिक्कतें हैं सभी तरीके की, ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष है, जिसको देखते हुए लोगों ने आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा और काफ़ी संख्या में महिलाएं, बुज़ुर्ग इकट्ठा हैं गली नंबर 14 में। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्षेत्र के विधायक का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम आज स्वतंत्रता दिवस पर रखे गए हैं, क्योंकि जहां डिजिटल विधायक बड़े बड़े दावे करते हैं क्षेत्र में विकास को लेकर, उन विकास की पोल खोलती, ये लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं महिलाओं को भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस पानी में फिसलने के मारा हम नीचे नहीं आते, मेरे को चोट लग गई है पैरों में, ये छह दिन तक हम ऊपर टांगे रहते हैं। तो ये देख सकते हैं बुजुर्ग हैं, इनके पाँव में चोट लगी हुई है, कई बार गिर भी चुके हैं, ये बता रहे हैं।
तो ये महिलाएं भी बता रहे हैं कि पाँच पाँच छः छः दिन हो जाते हैं ये नीचे गली में नहीं उतर सकते। तो आप ये देख सकते हैं तिमारपुर विधानसभा कैसे उतरेंगे, यहाँ इतने इतने पानी भरा रहता है, कीचड़ भरा रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है, वोट मांगने आते हैं दोबारा नहीं आते। तो आप समझ सकते हैं कितनी नाराजगी है क्षेत्र में गली के लोगों के में, और ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से नहीं दिखाते हैं भैया, एक दिन आते हैं ये लोग जो पार्टी को बदनाम करते हैं दोबारा शक्ल नहीं दिखाते हैं, अब की बार आएंगे यहाँ वोट मांगने, दिखाएंगे हम, बताएंगे हम। तो आप देख सकते हैं लोगों में रोष है क्योंकि निगम चुनाव नजदीक है और लोग कह रहे हैं अब की बार अगर वोट मांगने आएंगे तो उनको ये भी दिखाया जाएगा क्योंकि काम करके कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ तैयार नहीं है। और तो दिल्ली बाबू जी, दिल्ली सरकार दावे कर रही है विकास को, पीने का पानी भी पहुँचा दिया गया, यहाँ पीने के पानी आ रहे हैं, यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है कई दिन से और कई बार भैया नहा नहीं सकते, सुबह मुंह नहीं धो सकते हम, इतनी बदबू आ रही है। तो दिल्ली सरकार तो फ्री पानी की बात कर रही है आपको, फ्री कीचड़ दे रहा फ्री में, पानी दे तो तब ना, कीचड़ दे रहा फ्री में, ये नालियों के कीचड़ जा रहा है, तो लॉलीपॉप दे रहा है बिजली और उसके पानी का, और पब्लिक का नुकसान कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्षेत्र के लोगों में रोष है, ना यहाँ पीने का पानी दिया जा रहा है, और स्थितियों से मैं आपको अवगत कराऊँ, ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं और काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। सर क्या कहेंगे, स्थिति देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? इस गली के लोग जो हैं वो कई महीनों से पानी के नाली के पानी के जल जमाव से परेशान है, और यहाँ का जो विधायक वो निकम्मा है, वो गली पिछले 6 महीने से खुलवा दिया है और इसका रोड रेस्टोरेशन का काम नहीं हो रहा है, और कभी आज तक इस गली के जनता को देखने के लिए आया भी नहीं है और कहता है इस गली में वोट नहीं है। अब बताएं कि ये लोग जो आए खड़े हैं वो कहाँ से आए हैं? तो अगर बात करें, अगर विधायक ये कह रहे हैं कि यहाँ वोट नहीं है तो निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा, ये तो सरकार का पैसे का दुरुपयोग की बात करी जा रही है यहाँ पर। इनके जो चमचे नेता, जो छुटभैये नेता तिमारपुर वार्ड के हैं, उनके समझ नहीं है, और अगले काउंसिलर इलेक्शन में इनको पता लग जाएगा कि क्या होती है वोट है कि नहीं। अगर बात करें पूर्व विधायक के द्वारा लगभग 10 करोड़ के विकास कार्यों को लेकर नानी निर्माण के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, 2 साल हो रहे हैं लगभग, लेकिन उस प्रोजेक्ट पे भी आज तक काम नहीं किया गया विधायक दिलीप पांडे के द्वारा। आज के डेट में दिलीप पांडे विधायक जी 3% लेकर के मस्त है, और पता नहीं दिल्ली में है कि दिल्ली से बाहर रहते हैं, आज तक क्षेत्र की जनता के बारे में कोई ख्याल नहीं है। और हमें अगर सर बात करें, एक ISO सर्टिफाई कार्यालय दिल्ली सरकार ने बना के दिया है तिमारपुर को कि यहाँ जनता की सभी समस्याओं का बहुत ही अच्छी तरीके से हल किया जाता है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी में पिछले 7 साल से हूँ, मैं इन लोगों की कार्रवाई देख रहा हूँ, मुझे उसका ये नहीं है कि मुझे इसने, मैंने कई बार इनको रिमाइंडर दिया लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब के इसके बाद हम लोगों का जो पूरे गली के लोग केजरीवाल के पास जाएंगे, अपनी पूरी समस्याओं को लेकर पूरे फोटोग्राफी के साथ जाएंगे और वहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, और भी सर क्या कहेंगे, आप भी गली में रहते हैं, स्थितियाँ आप देख वाली, कितने पैसे गए हैं इसके पास, वो तो घूम रहा है विदेश में, आज तक कभी जिंदगी में झांका हो यहाँ दलीप पांडे, ना संगम विहार, ना वजीराबाद, ना जगतपुर, कहीं झांका हो तो दिखाओ, ये देखो नाली कैसे रह रहे हम, मच्छर दुनिया भर के हैं गली में, बच्चे जा रहे हैं, कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि जैसे नाव खरीदनी पड़ेगी हमें, बाइक नहीं चल सकती, ऑटो नहीं चल सकती, कुछ नहीं चल सकता भाई, ड्यूटी कैसे जाएंगे हम, कैसे नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं दलीप पांडे को क्या है, आज तक नहीं आने का, अगर उसके बाद अमरलता के पास जाते हैं, अमरलता कहती है दलीप पांडे कराया, दलीप पांडे के पास जाते हैं पहली बात तो मिलता नहीं, दलीप पांडे के पास भी जाएंगे उसके ऑफिस में जो लड़के हैं, उसके जो चमचे हैं, वो मना कर देते हैं कि अमरलता के पास जाओ, अमरलता मना कर देती है कि दलीप पांडे से मिलो, हम किससे करो अपनी समाधान, इसमें वोट नहीं है क्या, इसमें इंसान नहीं रहते, जानवर रहते हैं। तो जैसा देख रहे हैं क्षेत्र के लोगों में रोष भी है, काफी संख्या में लोगों में रोष है। सर क्या कहेंगे, गली निवासी हैं, जो स्थिति हो रखी है यहाँ की, क्या कहेंगे? यहाँ पे पिछले 3-4-5 सालों से गली की हालत बहुत खराब है, आए दिन रोड पे पानी, नाली की पानी जो है रोड पे बहता है, लोग कपड़े ऊपर करके इधर मार्केट जाते हैं या कहीं आसपास जाते हैं, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। दिलीप पांडे तब से यहाँ के क्या कहते हैं ये बने हैं, तब से कोई एक बार यहाँ पे देखने के लिए भी नहीं आए हैं, कम से कम एक बार यहाँ पे की जो पब्लिक है इतनी बार उनके पास गए हैं, सो
क्या कहते हैं हो हरना हंगामा किया है, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐसा विधायक कार्यालय बनाया है जो पूरे इंडिया के अंदर नंबर वन कार्यालय है, जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं। ठीक है, हमने तो अखबारों में पढ़ा है कि उन्होंने बहुत अच्छा ऑफिस बना दिया है, लेकिन जो मिले तो वहाँ वजीराबाद का जो गली है जिसमें हम रहते हैं उसकी हालत दयनीय है। नाली जो है रोड के ऊपर बहती है, आए दिन रोड पे पानी आता है, थोड़ी सी भी बारिश होती है पानी नाली ये गली के अंदर आ जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। तो उस ऑफिस का क्या फायदा जो हमें जब ये सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जनता की सुविधाओं के लिए एक रोड निर्माण नहीं कर पा रही, क्या कहेंगे सर? हम क्या हम बहुत परेशान हैं। हम यही तो कहेंगे कि हम बहुत परेशान हैं और हमारी ये जो समस्या है इसको हल किया जाए। हम तो इनको वोट हम केजरीवाल को शुरू से ही देते आ रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हमें मुहैया नहीं हो पा रही है, तो इनको फिर हम आगे हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और इनको हम कैसे वोट दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष है और काफ़ी लोग आज गली के इकट्ठा हैं और यहाँ पर विधायक दिलीप पांडे का पुतला फूंकने की तैयारी की जा रही है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहाँ लोग झंडा लहराने की तैयारी करते हैं, वहीं क्षेत्र के लोगों द्वारा विधायक दिलीप पांडे का पुतला दहन की तैयारी करी जा रही है। और लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँ, क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष है, क्योंकि वजीराबाद की बात करूँ, चाहे 9 नंबर गली की बात करूँ या पूरे तिमारपुर विधानसभा की बात करूँ, कहीं ना कहीं क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसको देखते हुए क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष है। और ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और विधायक दिलीप पांडे का पुतला फूंकने की तैयारी करी जा रही है। लाइव तस्वीरों AA News के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ आप ये देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। और सर ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ ये आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं विधायक दिलीप पांडे तिमारपुर चीफ व्हिप का पुतला दहन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, और पुतला भी कुछ लग रहा है बरसात में गीला हो गया है। ये आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँ, ये आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, सभी लोग एकजुट हैं गली निवासी और यह पुतला दहन की तैयारी करी जा रही है। और भाटी थोड़ा फैलाया ना, ये आप देख सकते हैं पीछे तो खड़े थे। आ जाओ बोलो दिलीप पांडे केजरीवाल दिलीप पांडे। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्षेत्र के लोगों में काफी रोष है और ये पुतला दहन किया गया है। ये आप देख सकते हैं पुतले में पटाखे भी लगाए जा रहे हैं और दिलीप पांडे केजरीवाल दोनों का पुतला दहन किया गया है। वजीराबाद 14 नंबर गली के लोगों के नेतृत्व में ये आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष है, जिसकी वजह से आज विधायक दिलीप पांडे का पुतला दहन किया गया है वजीराबाद 14 नंबर गली क्षेत्र। मोटी चमड़ी है ना, तो कह रहा बड़ी मोटी चमड़ी है। अरे मोटी मोटी उस्ताद नहीं चलेगा, आज नहीं कल चलेगा तो आज। अच्छा ला सुरेंद्र जी का था, इसके टकरे में आ गया, लाल ने खाया दो नंबर का।
नहीं नहीं पहले तो वो कहता था क्या नाम है कप्तान की, कप्तान को कहने के लिए जाओ तो बोलता मेरा नहीं है। अरे कप्तान तो मर गया, उसका बीवी तो है, बीबी जीता है ना, कप्तान थोड़ा जीता है। और दिलीप पांडे के पास जाता है तो बोलता है जीता वो क्यों, अरे उनको मत बुलाना, उनको मत बुलाना, मुझे पता लगा दुकान बंद करवा देगा दिलीप पांडे। रमेश जी मत आएंगे, उनका फोटो मत लेना, उनका फोटो मत लेना, रमेश जी का फोटो, अंकुर का फोटो ले लो भाई। इसी में रहोगे गली में रहोगे, गंदगी में रहोगे के साथ जुड़ के? नहीं पाखंड नहीं, ये जो गली का काम है सबसे पहले गली का, जिससे 5 महीने हो गए खुद, अब इसमें आपको अच्छा लग रहा है? पार्टी से ऊपर जनता होती है, सुविधा होती है। अब ये पार्टी वाले आदमी है, हमने वोट दिया चक्कर में गली के लिए, गली के लिए वोट दिया था, पार्टी का वोट ना दिया। ये आप देख सकते हैं महिलाएं भी पुतला दहन में अपना सहयोग कर रही हैं, तो ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं वजीराबाद 14 नंबर गली के हाल, जहाँ विधायक दिलीप पांडे का आज ये पुतला दहन किया गया है स्वतंत्रता दिवस के। पूछो मलिक जी से काम किसने करा ये बताओ, इनका पार्ट लो। ये मैंने डाली है फेसबुक पे भी, एमएलए को मैंने डाली, महापौर को मैंने डाली, जब यहाँ बारिश जल गया मैंने अपना काम पहले ही कर दिया। मलिक जी बता देना ना किसने काम करा, कुछ हुआ? हुआ क्या, तुमने पुतला फूंक दिया मैंने, जितना मेरा काम है पुतला फूंकने से छोटा, ये सिपाही भी आ लिया, दिलीप पांडे भेज दिया। वहाँ जो ना वहाँ उसके एंट्री बंद हो जाती है ना, ठीक रहेगा इसके एंट्री में बंद कर दूंगा, मैं आगे समझा रहा हूँ। हाँ मैं मारूंगा सारे, आपका फोन आया मेरे पास। और संदीप भाई ठीक सूत्र नजर आ गया? हाँ जी हाँ जी अरे कोई नहीं, कौन जा फट आ गया अपनी गली में भी ना करें हम।
धंधे लाल के लिए जा रहे हैं। गली निवासी हैं एक बार उसको हम दर्शन भी नहीं किए कि कैसा है दिलीप पांडे। पांच साल पहले भी पुष्कर रह के चला गया, आम आदमी पार्टी से विधायक था। कौन सी गली बनी जिता रहे उसको? हम कहा जिता तुम लोग सब पब्लिक चुतिया बन रहा है जो उसको जिता रहे हैं। सही बात है, वो तो कोई नहीं तो इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन आ रहा है जो जिताएंगे, जब जो को विधायक नहीं काम करेगा, जो सरकार काम नहीं करेगा, जिसके बैठ जाता है अपना अपना। सही बात, बच्चे सब कितना विद्यार्थी हमारा एकदम बैठ गया है ना, कोई नौकरी निकालता है ना, बहाली कुछ ना, सब एकदम से बैठ गया है। अरे गली ठीक करा दे कम से कम पहले, सब एकदम वो तो चलो समय से पानी घुस हर गंदा पानी देखो ना, ये हमारा बरसात का पानी घर घुस जाता है नाली पे सब का, ये देखता तो नहीं है अपना घर में, वो तो जीत के बैठ गया कोठरी में। सही बात है, वो तो कहते थे हम नहीं बंगला लेंगे, नहीं गाड़ी नहीं लेंगे, नहीं कुछ नहीं लेंगे। ये स्थिति वजीराबाद 14 नंबर गली क्षेत्र के गली के लोगों में भी रोष है, और ये आप देख सकते हैं पुलिस भी पहुंच चुकी है। पुतला दहन की कंप्लेन शायद करवाई गई है किसी के द्वारा, और दिल्ली पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। डबल ए न्यूज़ हमेशा जनता की समस्याओं के साथ जुड़ा रहा है और जुड़ा रहेगा। डबल ए न्यूज़ के लिए ईश मलिक की लाइव रिपोर्ट।